वेलकम बहनों, आज आपका फिर से स्वागत है वॉइस ऑफ जैसलमेर अन्नपूर्णा पाकशाला में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल के पकोड़े, जिसके लिए हमें चाहिए, तो आप देख रहे हैं इस तरह से कम दो प्याले चावल है, पके हुए चावल है, जो चावल बच जाते हैं। दो हमने आलू लिए हैं, जो छील के इस तरह से किस लिए है। एक टमाटर जो बारीक चॉप किया है, तीन से चार हरी मिर्ची, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्ची नहीं डालेंगे। दो प्याज, थोड़े से हरे धनिए कटे हुए, नमक और जीरा, और थोड़ा सा हमने बेसन लिया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे इसको, नहीं तो नहीं लेंगे। तो आलू को हम इस तरह से किस लेंगे, इस तरह से इसको हम आड़ा रखेंगे, इससे हमारे लच्छे आलू के थोड़े लंबे हो जाते हैं। हम आलू को ऐसे सीधा नहीं रखेंगे, आड़ा रखेंगे। देखिए, इससे लच्छे लंबे हो जाते हैं आलू के, इस तरह से देखिए। ये मैंने एक दिखाने के लिए रखा है आपको। अब हम चावल को एक मिक्सी के जार में लेंगे और उसको पीस लेंगे। देखिए, हमारे चावल अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम आलू के लच्छे का जो पानी है वो निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं, हमने इसका पानी निकाल दिया आलू के लच्छे के। अब एक हम बर्तन लेंगे, उसमें पीसा हुआ चावल निकाल लेंगे। अब हम इसमें आलू के लच्छे डाल देंगे। प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और अगर जरूरत पड़ी तो बेसन लेंगे। जीरा, एक चम्मच जीरा। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं बड़ा बर्तन ले रही हूं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसमें बेसन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। आप चाहे तो हाथ से दे सकते हैं, मैं इसको चम्मच से दूंगी। आप देख रही हैं कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ। अगर आपको पकौड़े सॉफ्ट रखने हैं तो आप बिना बेसन के कीजिए, और अगर क्रिस्पी बनाने हैं तो बेसन डाल दीजिए। अब ये थोड़ा टाइट हो गया है तो हम इसको हाथ से देंगे, और अगर लूज है और आपको सॉफ्ट चाहिए पकोड़े तो आप चम्मच से भी दे सकती हैं। अब मैं इसको हाथ से दूंगी। तेल हमने पहले से कढ़ाई में गरम करके रखा है। इस तरह से आप छोटे बड़े जैसे चाहे दे सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनते हैं, आप देख रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के पकौड़े भी दे देंगे। तो इस तरह से हम अपने बचे हुए चावल के पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो हमारे चावल के पकौड़े बन रहे हैं, आप भी खाइए गर्मा गर्म।
ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वॉइस ऑफ जैसलमेर। धन्यवाद।